हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे होंगे। तो देखिए, वर्तमान में एक न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है कि टाइटैनिक पनडुब्बी डूब गई है। और टाइटैनिक पनडुब्बी कहाँ पे डूबी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस 10 मिनट शो के अंदर करने आए हैं। तो देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी न्यूज़ के माध्यम से आपको नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे के साथ भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के शो तो आपको मिलते ही है। देखिए क्या है, थंबनेल के ऊपर आपको मिल जाएगा कि लापता हो गई टाइटैनिक पनडुब्बी अंटार्कटिक महासागर में हुई गायब। तो ये बात 100% सत्य है कि जो टाइटैनिक पनडुब्बी है वो डूब चुकी है अंटार्कटिक महासागर के अंदर। और इसकी पूरी टाइटैनिक के बारे में, देखो नाम है टाइटैनिक, और टाइटैनिक नाम लिया है मैंने ओनली फॉर, ने तो जहाज लिया है टाइटैनिक और ने टाइटैनिक पनडुब्बी ली है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइटैनिक जहाज और टाइटैनिक पनडुब्बी, लेकिन अभी तो हाल ही में तो टाइटैनिक पनडुब्बी डूबी है, लेकिन मैंने ओनली फॉर टाइटैनिक नाम क्यों लिया है, क्योंकि हम जो 1912 के अंदर घटना हुई थी टाइटैनिक जहाज के डूबने के लिए, जो डूबने की घटना हुई थी उसको भी हम साथ में इसके अंदर लेते जाएंगे, और अभी जो टाइटैनिक पनडुब्बी डूबी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो वीडियो के अंदर आपको इस न्यूज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि किसी ने कहा सही कहा था कि गरीब लोग भूख से मर जाते हैं और अमीर लोग शौक से मर जाते हैं। क्या कहा है कि गरीब लोग भूख से मर जाते हैं और अमीर लोग शौक से मर जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वही घटना देखने को मिलेगी जो आपके पैसा कमाने के ऊपर नियंत्रण करता है, कि पैसा उतना ही पर्याप्त है जितना हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। ज़्यादा पैसा उन मनुष्य को उन भावनाओं के अंदर बहावा देता है और उसके अंदर अभिमान आ जाता है, और वो ऐसी हरकतें करने लगता है जो मानवता के खिलाफ होती हैं। मानवता के खिलाफ, जैसे मृत्यु के खिलाफ जाके वहाँ पे किसी चीज़ को देखना। वर्तमान में एक ट्रेंड चल रहा है कि पर्यटक के अंदर, देखिए पहले पर्यटक के रूप में हम जाते थे कहाँ पे, जैसे कोई खूबसूरत जगह है, कोई टेंपल है, वहाँ पे जाते थे। लेकिन आज एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, जो ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो डार्क वेब, या कह सकते हैं डार्क वेब के अंदर ही जो डार्क जगह हैं, जो भूतात्मक जगह हैं, जो घटनाएं पहले हुई थी वहाँ पे जाके उनको देखने के लिए वर्तमान में ऐसा पर्यटक चल रहा है, जो पर्यटन चल रहा है ऐसा। तो उसके अंदर जो घटना हुई थी उसको हम पूरी डिटेल के माध्यम से लेकर आए हैं। तो देखिए, ये एक वर्तमान में ट्रेंड चल रही है न्यूज़ के, हंट ऑफ मिसिंग टाइटैनिक सबमरीन, जो सबमरीन टाइटैनिक है वो डूब चुकी है, ये वर्तमान में ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या घटना है और क्या नहीं है इसकी पूरी, देखो रॉयटर्स के द्वारा ये खबर छपी है कि टाइटैनिक सब जो डिस्ट्रॉयड इन जो वह पैसिफिक हैं, ऑल 5 अबोर्ड्स डेड, के उन उसके अंदर 5 लोग बैठ के गए थे, उनकी डेड हो चुकी हैं। ये किसके द्वारा, रॉयटर्स के द्वारा छपी हुई खबर है, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये वहाँ के गुड्स कार्ड के द्वारा दी गई खबर है। और देखिए, ओशन गेट नामक कंपनी है, उसके द्वारा उसके CEO भी उसके साथ थे, तो और भेजने वाले भी यही थे, ओशन गेट की कंपनी के CEO यही भेजने वाले थे। तो देखिए पूरी घटना के साथ हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये कौन सा जहाज है, आपको देख के हैरानी होगी, ये जहाज 1912 के अंदर डूब चुका है, और ये जहाज है टाइटैनिक जहाज। कौन सा जहाज है, टाइटैनिक जहाज है, कौन सा जहाज है, टाइटैनिक जहाज है, जो 1912 के अंदर डूब चुका था, 1912 के अंदर डूब चुका था। अब टाइटैनिक जहाज में लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए ही वो 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी के अंदर गए थे। अब हम टाइटैनिक जो जहाज था उसके डूबने की घटना देखते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था, उसके डूबने का कारण क्या है।
तो देखिए कि आरएमएस जो टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जो जहाज था, यात्री जहाज था, वो कहाँ से रवाना होता है? वो अपनी प्रथम यात्रा के साथ रवाना होता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड के, इंग्लैंड से। मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा, मैपिंग के माध्यम से भी बताऊंगा कि उसको वहाँ से कहाँ से रवाना होता है और कहाँ तक जाता है। तो उसने पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 के अंदर शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 4 दिन की यात्रा के बाद वो 14 अप्रैल 1912 को वे एक हिमशिला से टकरा कर डूब गया था और इसके अंदर 1517 लोग की मृत्यु हुई थी। इसके अंदर एक भी जीवित नहीं बचा था, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांति का समुद्री आपदा में से एक है। तो आप जान गए होंगे ये टाइटैनिक जहाज डूबने का कारण क्या था, तो वो था हिमशिला से टकरा जाना। लेकिन पुख्ता रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया नहीं जा सकता है कि हिमशिला से टकराया था या और कुछ घटना हुई थी। तो इसके अंदर देखिए, आपको लोकेशन पे लेके चलता हूँ। आपको देखिए सबसे पहले लोकेशन के ऊपर कि इसकी लोकेशन, डूबने की लोकेशन क्या थी। तो देखो, ये टाइटैनिक जहाज का मलबा यहाँ पे पड़ा था और यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका और इधर है दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का यहाँ पे कनाडा है और ऊपर से USA है, ठीक है ना। तो देखिए, ये अमेरिका और ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड। कौन सा हो जाएगा? न्यूफाउंडलैंड। वर्तमान में जो पनडुब्बी गई थी वो यहाँ से गई थी, लेकिन वो जहाज कहाँ से आया था? तो वो जहाज आया था, देखो आपको मैं एक मिनट लोकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि वो जहाज किधर से आया था। तो देखिए साथियों, ये जहाज आया था, देखिए एक मिनट, यहाँ पे स्लाइड किधर गई, देखिए यहाँ पे आ जाइए और आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये एस आकार का कौन सा माध्यम, ये एस आकार का कौन सा महासागर है? तो ये एस आकार का महासागर है जो है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। और इधर आपको मिल जाएगा दक्षिण, जो उत्तरी अमेरिका, उधर इधर मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका। और ये यहाँ से रवाना होता है और इधर से जाके यहाँ पे जाना था, इसको इधर जाना था, लेकिन ये यहाँ पे देखो आपको गोला बना हुआ मिल जाएगा, आपको देखो यहाँ पे गोला है बना हुआ। ये यहाँ पे बनता है ट्रायंगल। और यहाँ पे वो जो जहाज था टाइटैनिक जहाज, वो यहाँ पे डूब के अंदर महासागर से हिमखंड से टकरा के डूब गया था। अब ये पनडुब्बी की बात करते हैं, तो पनडुब्बी के अंदर क्या हुआ था? तो देखिए साथियों, पनडुब्बी के अंदर क्या हुआ था, इस जहाज की तरह, इस जहाज को देखने के लिए देखो कितने लोग गए थे। देखो, इस जो मलबे को देखने के लिए 5 लोग पनडुब्बी लेके चले गए। कहाँ पे? तो उस जहाज को देखने के लिए। और कितने हजार किलोमीटर? तो 13,000 मीटर नीचे, मतलब 13 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर वो उस पनडुब्बी को लेके वहाँ पे चले गए थे। और इसके अंदर 5 लोग कौन कौन सवार थे? तो देखो, स्टोकन कौन थे? तो ये है स्टोकन, और स्टोकन थे ओशन गेट कंपनी के CEO। जो ये पनडुब्बी बनाई थी उसके CEO जो स्टोकन है वो गए थे। दूसरा है पोन हेनेंटी, जो फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर थे, ये है पोल हेनेली जो इस पनडुब्बी को चला रहे थे। और तीसरा है शहजादा दाऊद, जो पाकिस्तानी है और ब्रिटिश के अंदर अरबपति हैं, ये है शहजादा दाऊद और पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति। सुलेमान जो उसका बेटा था, अरबपति शहजादा का बेटा, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी मूल के हैं, ये दोनों ही इसके अंदर गए थे, बाप बेटे हैं दोनों ही। और ये लास्ट फाइनल थे 5 नंबर पे हेमिस हार्डिंग, जो ब्रिटिश के अरबपति थे, ठीक है ना, ये ब्रिटिश के अरबपति थे। तो इनका एक व्यक्ति का खर्च आया था 2 करोड़ रुपये। कितना आया था? 2 करोड़ रुपये एक व्यक्ति का खर्च आया वहाँ पे जाने का, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये तो हो गई घटना, अब इसके डूबने का कारण क्या था? तो देखो, पनडुब्बी के अंदर अधिक दबाव, पनडुब्बी थी उसके अंदर, कारण बताए जा रहे हैं कि एक तो पनडुब्बी के अंदर जो अधिक दबाव के कारण, और पनडुब्बी हो जाती है डैमेज, देखो अंदर दबाव के कारण क्या हो जाती है, पनडुब्बी डैमेज हो जाती है, और सीमित जगह में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बन गया और दबाव को संभाल पाना मुश्किल हो गया, और साथ ही साथ पनडुब्बी में विस्फोट की वजह बन गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हैं, और पानी के अंदर नीचे जाके आप सोच रहे होंगे कि पनडुब्बी के अंदर चलती हैं तो उसके अंदर बैठने वाले व्यक्ति सांस कैसे लेते हैं। तो आप सभी को मैं जानकारी के माध्यम से बता देता हूँ कि देखिए, पनडुब्बी जैसे, पनडुब्बी की संरचना है जैसे ये,
ये आपको संरचना है। अब ये संरचना है तो इसके अंदर ओनली फॉर इस कैप्सूल के अंदर मानव बैठे रहते हैं, और ये टोटल कैप्सूल है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। क्या भरी होती है? ऑक्सीजन भरी होती है, और इस ऑक्सीजन के माध्यम से ये क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। अब अभी बताया जा रहा है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर ऊपर दबाव पड़ने के कारण ये विस्फोट हुआ था और इसके अंदर ये खत्म हो गए थे, ठीक है ना। और एक ये भी लॉजिक लगाया जा रहा है कि जो ये जॉयस्टिक है, गेम खेलने वाली जॉयस्टिक होती हैं, उसके द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा था। और ये देखो, ये आपको तस्वीर के अंदर मिल रहा है ना देखने के लिए, ये उसके आगे जो दर्पण था उसके माध्यम से ये देखने के लिए गए थे, इस पनडुब्बी के आगे लगाया हुआ था, ठीक है ना। पनडुब्बी के आगे ओनली फॉर तरंगों के माध्यम से ही चला जा सकता है, लेकिन जैसे ड्राइविंग नहीं की जाती है, जैसे आगे देख के बस के अंदर आगे देख के ट्रेन के आगे आगे देख के ड्राइविंग होती है, उस प्रकार से ड्राइविंग नहीं की जा सकती है। इसके अंदर ओनली फॉर ये देखने के लिए जो मिरर है वो देखने के लिए है, उस मलबे को देखने के लिए, ठीक है ना। अब ये चलती चलती पनडुब्बी कितने किलोमीटर तक चल गई, 12 किलोमीटर तक, 11 किलोमीटर तक तो चल गई, लेकिन 11 किलोमीटर के बाद अधिक दबाव के कारण ये विस्फोट हो गई, और ये एक जो एक सेकेंड होता है उसका सोवा भाग के अंदर ये पूरी पुचक के क्या हो गई, मलबे के रूप में तब्दील हो गई, ठीक है ना। अब देखिए पूरी डिटेल, देखो ये वापस उसके बाद जब खबर आई तो उसके अंदर ये जांच की गई, तो जांच करने के लिए देखो यहाँ पे सोनार का यूज़ किया जाता है उसके अंदर, और ये यहाँ पे जाज लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं जाज लगे हुए, और इसको नेविगेशन करने के लिए भी ऊपर से एक जाज लगा हुआ था। जब इस पता कैसे चला कि उसके ये पनडुब्बी क्या भेज रही थी, संकेत भेज रही थी, और काफ़ी टाइम तक ये संदेश नहीं भेज पाई, तो उनको पता चल गया कि पनडुब्बी कुछ खतरे के अंदर है, ठीक है ना। और फिर ये देखो हेलीकॉप्टर हैं उनके माध्यम से, एरोप्लेन जो फाइटर जेट थे उनके माध्यम से ये जानकारी ली थी, ठीक है। ये डूब चुकी है, यहाँ पे मलबा के रूप में तब्दील हो गई, और ये देखो आपको मिल जाएगी पूरी आकृति, यहाँ पे आदमी बैठे थे और ये एक ड्राइवर बैठा था, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गई घटना, ठीक है ना। देखो सबमरीन पर उतना दबाव पड़ा होगा जितना एफिल टावर का वजन है। पनडुब्बी के मूल हिस्से में भयानक जो हादसा हुआ है जिसमें पनडुब्बी बहुत तेजी से बहुत कम जगह में ही सिकुड़ गई। मैंने आप अभी बता दिया कि एक सेकेंड के सोवे भाग, एक सेकेंड के सोवे भाग के अंदर ये पूरी पुचक के शामिल हो गई थी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसकी जो घटना थी उसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो देखिए लिखित फॉर्मेट के अंदर आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और अब लिखित फॉर्मेट के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो देखिए कि हादसे की वजह क्या रही होगी, कैसे डूबी पनडुब्बी, तो पनडुब्बी की ये घटना है। तो देखो पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने के लिए की कोशिश की जा रही है, और रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि लापता पनडुब्बी 10 साल पुराने जो गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था उस जिसका काम करना बंद कर दिया होगा। तो मैंने अभी बताई ना जॉयस्टिक, उसके द्वारा ये बता रहे हैं कि 10 साल पुराने गेमिस्टिक कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी, और यह भी हो सकता है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई होगी। इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जुटाए गए सबूतों के अनुसार इसका मूल्यांकन करें तो अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट कर हादसे के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि जो ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी है वो खोजने का अभियान समाप्त हो गया है, क्योंकि उसमें 5 अरबपति यात्री सवार थे, दुर्भाग्य से वो जब जिंदा नहीं रहे। बहरहाल वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये आपको मैंने पहले ही बात बता दी थी। अब बात कर रहे हैं मलबे में पनडुब्बी के 5 हिस्से बरामद हुए हैं, उसमें विस्फोट की आशंका बताई जा रही है। जो CNN है उनके मुताबिक, जो रिपोर्ट आई थी CNN रिपोर्ट के माध्यम से, मलबे में 22 फीट लंबी टाइटैनिक पनडुब्बी 5 हिस्सों में बरामद हुई है, और इसमें टेल कोन और प्रेशर हेल के 2 सेक्शन भी शामिल हैं। इसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फिलहाल किसी भी पैसेंजर के अवशेष नहीं मिले हैं। पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी जो आसन गेट है, उन्होंने कहा है कि हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो सही मायने में एक्सप्लोरर्स थे। हम इस समय कठिन समय में उनके परिवार के साथ हैं। कोस्ट गार्ड के रियर जो एडमिरल मोगर ने बताया कि
एक रोबोट एयरक्राफ्ट अंटार्कटिक महासागर में लगाया गया मलबा इकट्ठा करता रहेगा। इसके जरिए महादशे के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महासागर में इतना गहराई से मरने वाले लोगों के बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, काम है, मुश्किल टास्क है। टाइटेनिक पनडुब्बी का मलबा अंटार्कटिक महासागर में मिल गया है। यह टाइटेनिक जहाज के मलबे से 1600 मीटर दूर पर मिला है। तो जो टाइटेनिक जहाज डूबा हुआ है उसके ओनली पर 1600 मीटर के दूरी पे ही है। पनडुब्बी 18 जून को शाम को पायलट समेत 4 टूरिस्ट को लेकर टाइटेनिक का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन ये पौने दो घंटे के अंदर ही लापता हो गई। सबमरीन में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अंदर ब्रिटिश जो बिजनेसमैन है हेमिस हार्डिंग, फ्रांस के ड्राइवर पॉल हेरिंग और पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन है ऐसे वो भी शामिल थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने गुरुवार को शाम को इसकी पुष्टि दी है कि हालांकि उनके शव अब तक बरामद नहीं किए गए हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मोगर ने कहा कि अंटार्कटिक महासागर में पनडुब्बी के मलबे को रिमोटली ऑपरेटिंग व्हीकल है उसके द्वारा खोजा गया है। संभव है कि इसमें विस्फोट, हालांकि अभी तक नहीं बताया गया है, जल्दबाजी होगी कि विस्फोट कब हुआ है ये बताना। इस बारे में अभी बहुत सवाल हैं जिनके सवाल तलाशने बाकी हैं, ठीक है ना। तो आप जान गए होंगे ये विस्फोट की घटना बताई जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं टाइटैनिक के बारे में कि ये विस्फोट हुआ होगा, ठीक है ना। अब देखो ये तस्वीर तो झूठी है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र के अंदर से कोई भी खबर लाना मुश्किल है। बताया जा रहा है ये पनडुब्बी थी और ये पूरा मलबा मिल गया, तो मिलना मुश्किल है क्योंकि उसको मलबे को देखने के लिए गए तो वे भी वक्त वहाँ पे नहीं बचे, तो ये तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सेशन हो गया आपके सामने, ठीक है ना। अब पूरी देखो ये भी बता दिया ना आपको, ठीक है, ये भी बता दिया और पनडुब्बी के बारे में बता दिया और इसके बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है ना। और अंटार्कटिक देखो इसके अंदर शामिल कौन कौन अभियान के अंदर उतरे थे, तो अंटार्कटिक मरीन और ग्लासगो रे और सेकेंडरी वेलमेंट और डीप एनर्जी जो जीन केबोट हैं वो एल अटालेट, ठीक है ना, ये इसके अंदर शामिल थे, ठीक है, हो गए। ये तो आगे समझ में। और इस प्रकार से जो एयरक्राफ्ट से यहाँ पे डाला गया और वो ध्वनि सुनाई दी तो उसको वापस डिटेक्ट करने के लिए ये छोड़ा गया, ठीक है ना। तो अब इस सेशन के अंदर यही जानकारी थी कि टाइटैनिक जहाज और टाइटैनिक पनडुब्बी के अंदर अंतर और उसको मलबा देखने के लिए जा रहे व्यक्तियों की क्या हाल हुआ था ये बताया जा रहा है। अब और हमारे ये चैनल हैं Study.9, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये उसके ऊपर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ खबरों के साथ और डेली करंट के साथ। थैंक यू।